हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकू मम लाइफस्टाइल। तो काम लगभग हो चुका है, मतलब मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े धुल चुके हैं, सुखा दिए हैं, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, किचन क्लीन हो गई है। और मतलब खाना कुछ बनाना नहीं था, तो बर्तन भी बस एक दो ही थे, चाय पानी की जो मैंने चाय वगैरह पी थी वो, तो वो सब भी क्लीन हो चुका है। और चीकू अभी उठा है तो मैं अपने बेड जो है थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। मतलब चादर कल बहुत अच्छे से बिछी थी, दिन में बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, तो बस मैं इसको हल्का सा ही झड़काऊँगी क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, बिल्कुल साफ़ थी। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं एक नए ही भेस में हूँ कि मैंने लोअर पहना हुआ है। वैसे मैं कभी पहनती नहीं हूँ वीडियो में, वैसे पहनती हूँ बट वीडियो में नहीं पहनती। आज इसलिए पहना है क्योंकि मैं पहनूंगी दिन में साड़ी, तो मुझे लगा कि अभी सूट पहनूंगी, फिर दिन में साड़ी पहनूंगी, रात को फिर मुझे लोअर पहन के सोना है, तो मैंने सोचा कि अभी पहन लेते हैं। कोई बात नहीं, कभी ना कभी से तो किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत होती ही है, क्योंकि मैं वीडियो में कभी नहीं आती लोअर पहनकर। फर्स्ट टाइम ही मैंने ऐसा किया है, पहली बार ही मैं ऐसे आई हूँ। अब देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोगों का मतलब से मेरे ससुराल वालों का, कहीं वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स रिएक्शन ना दें कि मुझे मतलब डांट पड़े या कुछ भी। तो चलो देखी जाएगी जो होगा वो। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड एकदम सेट कर लिया है और अब मैं निकाल लेती हूँ चीकू के कपड़े। तो आज चीकू को मैं ये वाले कपड़े पहनाऊंगी। वैसे ये नए हैं बट अगर मैंने इसे इस बार डेली में नहीं पहनाना शुरू किया तो ये छोटे हो जाएंगे अगली बार तक। तो मैं यहाँ पे इसको अब ये दिन में घर में पहनाया करूँगी, डेली में। और यहाँ पे मैंने निकाला है अपना एक सूट, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और चीकू के कपड़े निकाल लिए हैं, ये पन्नी थी जिसमें एक और जोड़ी कपड़े थे वो मैंने मतलब उस डब्बे के अंदर रख दिए हैं। और यहाँ मैंने निकाल ली है मेरी साड़ी, और ये साड़ी जो है ये मेरी मम्मी की है, कॉटन की साड़ी, तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, बहुत इजी तो ये सेट हो जाती है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो सूट है ये मैं आज धो के सुखाऊंगी और फिर इसको मैं काटूंगी। देखते हैं आज काटती हूँ या कल काटती हूँ। और आप सोच रहे होगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे ना टीवी में गाने चल रहे, तो मैं वो गाने गुनगुना रही हूँ, तो वो हो रहा है यहाँ पे, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का ये सूट था, बस गले पर कढ़ाई थी। और सूट से ज़्यादा अच्छा मुझे इसका बॉटम लगा, ये प्रिंटेड, तो मैं इसका सलवार सूट बनाने वाली हूँ। तो कटिंग जब भी करूँगी, आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ, जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी कटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कौन सा चैनल? चीकू चीकू मम लाइफस्टाइल। तो अभी हम मतलब नहा तो मैं सुबह ही ली थी, चीकू ने ला दिया है, सारा काम हो चुका है और अब मैं और चीकू खाएंगे खाना। और मैं तो खाने में क्या बनाया है, मैंने सुबह बनाए थे पालक और छोले, पालक छोले की सब्जी बनाई थी और इनके लिए रोटी बनाई थी, लेकर चले गए हैं। अब मैंने मेरे लिए बनाए हैं चावल, बहुत सारे दिन हो गए चावल खाए। तो मैं खाऊंगी चावल थोड़े से तो घी बोरा के साथ और उसके बाद छोले के साथ, क्योंकि मुझे ना मीठे के साथ चावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखो खाओगे आप? बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चावल जो है बनकर एकदम रेडी हो गए, मतलब मैंने पहले ही बना लिए थे और घी को भी मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। और मुझे ना चावल घी बूरा के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, तो थोड़े से तो मैं घी बूरा के साथ खाती ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना घी बूरा डाल लिया है और साथ में मैं ले लूँगी छोले की जो मैंने पालक से सब्जी बनाई है वो, और साथ में है रायता। कल का है ये रायता, कल गाजर का रायता बनाया था तो ये रायता कल का रखा हुआ है, फिनिश नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि लो आज इसको खा लेते हैं। हम लेडीज़ ऐसी ही होती हैं, हम किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये हो गया है मेरा लंच रेडी, तो पहले मैं इसको रख कर आती हूँ और उसके बाद इसको लेकर जाऊँगी चावल को। तो आप सब लोग भी आ जाइए मेरे साथ, खाइए और मज़े लीजिए चावल के, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं ये। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद, मतलब दिन में ना मैं सो गई थी, मैं और चीकू दोनों खाना खाने के बाद, और हम लोग उठे हैं 5 बजे और अभी टाइम हो रहा होगा 5:30 का। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक तो साड़ी पहन रखी थी, इतनी जल्दी चेंज भी कर ली। चीकू ने मेरी साड़ी के ऊपर पानी डाल दिया,
इसने पानी मंगवाया पीने के लिए और फिर ना मेरी गोदी में बैठ के पी रहा था, जितना पिया उतना पिया और मेरे ऊपर डाल दिया इसने पानी। तो फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली है और अपने सुबह वाले ही जो कपड़े पहने हुए थे उन वो ही मैंने पहन लिए हैं। और ये लोअर मैंने फर्स्ट टाइम पहना था आज, इतना गर्म है ये लोअर, इतना गर्म है मतलब बिल्कुल फुल पैसा वसूल है ये। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ और यहाँ पे मैं पालक भी काटने वाली हूँ आगे। और आज मैंने मटर ली थी ये, और मैं इतनी खुश हूँ मटर लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मटर में ना ऐसे मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं, मतलब पूरा पैसा वसूल है ये मटर भी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे तन्नू मटर छील रही है और मैं ले आई हूँ पालक जो मम्मी ने मुझे दी थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा था। और पालक के आप पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो मैं यहाँ पे पालक को जो है बिल्कुल अभी जो है काट पीट के रख दूँगी, ताकि डेली जब मुझे चाहिए हो तो सीधा फ्रिज से निकालो और मतलब उसका यूज़ कर लो यहाँ पर। तो मैं पालक काट लेती हूँ और तन्नू यहाँ छीन लेगी इतने मटर। तो यहाँ पर पालक और मटर सब छील लिए हैं और एक डब्बे में नहीं आए थे तो मैंने दूसरे डब्बे में डाल दिए हैं। इन्हें मैं रख लूँगी फ्रिज में। और वॉइस करते हुए आपको बहुत ज़्यादा चीकू की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये मेरे पास खेल रहा है और ये बहुत शोर मचा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बच्चा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये जो मटर के छिलके हैं इनको मैं मतलब डस्टबिन में नहीं डालूंगी, बाहर रख कर आ जाऊँगी, कोई गाय कोई जानवर मतलब आकर इसको खा लेगा। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जो चीज़ कोई गाय भैंस खा सकती हैं उनको मैं हम कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ खाने वाली चीज़ को। मेरा ये मानना है कि किसी के तो पेट लगे, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। तो पालक वालक को मटर को सबको फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी पालक जो है मैं अभी रात को ही धोकर रख दूँगी सुबह रोटी में डालने के लिए। और रात को इसलिए धो रही हूँ क्योंकि सुबह पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो अभी धो के रख दूँगी मैं यहाँ पर। फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। और जिस बर्तन में मुझे पालक को उबालना है उसी बर्तन में मैंने रखा है। और इस पतीले को भी मैं वॉश कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं अपना जो है वेट लूज ड्रिंक जो मैं कई दिनों से पी रही हूँ वो बना लेती हूँ। पानी ले लिया है, उसमें मैंने डाल दी है अदरक और उसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन और जीरा। और जितना मैंने पानी लिया है उसका एक पार्ट मैं जला दूँगी, तीन पार्ट मैं रहने दूँगी, ताकि मतलब अच्छे से इसका कस निकल जाए अदरक का अजवाइन का और जीरे का। और उसके बाद मैं इसको पी लूँगी। और यहाँ पे आप आगे देखिएगा मेरी और चीकू की थोड़ी सी मस्ती। चीकू कहाँ गया? कहाँ है चीकू? कहाँ है चीकू? कहाँ है? कहाँ है चीकू? चीकू कहाँ है? जा अब अंदर छुप जा, अंदर छुप जा, अंदर हाँ अंदर छुपो या नहीं, अब अंदर छुपो, जाओ छुप जाओ अंदर। चीकू कहाँ गया? कहाँ है चीकू? नानी? चीकू कहाँ है? कहाँ गया चीकू? चीकू कहाँ गया? चलो छुपो अब आप। कहाँ गया चीकू? कहाँ गया? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। ये जो ब्लॉग है ये कल शुरू हुआ था बट कल ये कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो आज मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज है नेक्स्ट डे, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए मटर पुलाव। आप इसे मटर पुलाव भी बोल सकते हैं, नमकीन चावल भी बोल सकते हैं, मटर चावल भी बोल सकते हैं। बट इसके अंदर ना ही हल्दी डलेगी ना ही लाल मिर्च डलेगी। इस बार जब मैं मेरे घर गई थी ना, आपने जो पीछे वीडियो देखा है गाजर के अचार वाला, तो मैंने ये घर पर खाए थे, घर पे भाई ने बना रखे थे, दिन में बनाए थे, मैंने शाम को जाके खाए थे, मुझे बहुत टेस्टी लगे। रेसिपी तो मैंने उससे नहीं पूछी, बस मैं अपने तरीके से जैसा मुझे उसमें दिख रहा था कि भाई मटर है, आलू है, हल्दी नहीं है, लाल मिर्च नहीं है, हरी मिर्च है उसके अंदर, तो बस उसी तरीके से मैं इसे बनाऊंगी। बट मेरे पास प्याज भी नहीं है, प्याज भी खत्म हो चुकी है। तो मुझे ना इन्हें व्हाइट बनाना है, इसलिए मैं इसके अंदर रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, सरसों का तेल नहीं कर रही, क्योंकि मेरे मन में कि सरसों का तेल येलो होता है तो शायद थोड़े से चावल येलो हो जाए, क्योंकि मैंने उससे पूछा नहीं कि वो कैसे बने थे, बस मैं ऐसे ही ट्राई करने लग गई। और आज मैं क्यों बना रही हूँ ये, कल भी मैंने चावल बनाए थे और आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये आज खाएंगे ऑफिस में खाना, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया है, 11:30 बज चुके हैं,
तो अभी बना लेते हैं चावल। आप देखिए कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ, मतलब आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करें। टेस्टी लगे तो आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, और आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर ना मैं भूल गई कैमरे का जो बटन है ऑन करना, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। रिफाइंड ऑयल लिया, उसमें मैंने डाला लहसुन और मिर्च, और जैसे वो हल्की सी फ्राई हुई मैंने उसके अंदर मटर और आलू डाल दिए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है अभी आपने देखा चावल। और चावल डालने के बाद जो चावल में हल्का सा पानी रह जाता है उसे मैं अच्छे से सुखा लूँगी, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल ही खिले खिले बने। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है डबल पानी, आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, कोई डबल पानी डालता है, कोई डेढ़ गुना ज़्यादा डेढ़ गुना ज़्यादा पानी डालता है। और मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब इसे छोंकने लगी तो मैं भूल गई आप लोगों अलग फोन की जो कैमरा है उसको ऑन करना, और बस मैंने लगा दी, मुझे लगा ऑन है, तो थोड़ी सी क्लिप नहीं बना पाई। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, उसके बाद प्याज सॉरी लहसुन और हरी मिर्च डाल दी, और जैसे वो हल्की सी फ्राई हुई रिफाइंड ऑयल डाला, जीरा डाला, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च डाली, हल्की सी फ्राई हुई, उसके बाद मैंने डाला मटर और आलू, उनको हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद आपने देख ही लिया कि चावल डाले, चावल का अच्छे से पानी सुखा दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर डबल पानी डाल दिया। तो अभी मैं इसमें लगवाऊंगी सीटी दो, वो आपके कुकर पर डिपेंड करता है, आप एक लगवाते हो, दो लगवाते हो, तीन लगवाते हो, उसके बाद इसको सर्व करेंगे, खाएंगे। फोन आ गया है इनका, मैं इनसे बात कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है चावल बन चुके हैं, और मैं ले लूँगी दही, क्योंकि चावल के साथ दही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। और वैसे भी अभी जो है धूप निकल गई है, तो बाहर बैठ के खाना है मुझे धूप में। तो और यहाँ पे मैंने ले लिया है अचार, अचार तो नहीं है इसके अंदर, बस मसाला मसाला है, और अचार ऊपर रखा है बस उतारने के, बहुत ज़्यादा आलकस हो रहे हैं कि उतारूँगी उतारूँगी, उतारा नहीं है अभी। और यहाँ पे ये गाजर का अचार जो मैंने बनवाया था ये ले लूँगी थोड़ा सा, और मुझे ना गाजर का अचार ना थोड़ा टाइट टाइट सा ही अच्छा लगता है, मतलब जब वो नरम हो जाता है ना बहुत दिन का, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश ही अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे अचार ले लिया है, और चावल भी बन गए हैं, प्रेशर भी निकल गया है, तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मटर और आलू जो है वो ऊपर ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ा सा मिक्स करके मैं डाल लूँगी। और चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं, तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए मटर पुलाव। तो पहले मैं इसको ना थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ ये कैसे बने हैं। यम, आप लोग भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी खाने में। और आ जाइए, आप सब भी मेरे साथ खाइए ये मटर पुलाव, दही के साथ मैं इसको खाऊंगी, तो मैं लेती हूँ इसका मजा, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और मटर पुलाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे, और इस वीडियो का कर देती हूँ अब मैं यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, ठंड बहुत हो चुकी है, अपने आप को कवर कीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, तो चलिए बाय।